गुड मॉर्निंग अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू ट्रेड इन प्रोडक्टिव वे, तो लॉन्ग टर्म में जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा बना रहे, ओके। एंड उसके बाद अभी विल सी दिस व्हाट इज अनप्रोडक्टिव वे। सही और गलत कुछ नहीं है, राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं है, खाली प्रोडक्टिव है और अनप्रोडक्टिव है, ओके। So, newbies कैसा ट्रेड करते हैं? अभी रिसेंटली मुझे XYZ करती है, उन्होंने मुझे बोला कि उनके रिकमेंडेशन के स्टॉक को 75% रिटर्न मिले। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो उनका क्या होता है, मैं आपको newbies को बता। तो उनके रिकमेंडेशन आते हैं साल की, जब आप ट्रेंड होगा 25-30-40 आएगा, हर बार आएगा, हर वीक आएगा। तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो होगा 10 स्टॉक्स का। तो ये 75 आपका 10 स्टॉक्स हो गया। अगर 100 रुपए है तो 10 रुपए के ही आपने वो स्टॉक लिया है, तो 75 नहीं, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 7.5% ही रिटर्न है वो। एंड उसमें भी टारगेट्स पे एग्जिट होते हैं, मतलब 30% बढ़ गया, वहां पे एक टारगेट है 30% निकाल लिया, तो उसकी वजह से वहां पे आपका इसका आधा भी गया। अगर सोचो आपने शुरुआत में 100 क्वांटिटी ली है तो टारगेट पे यू बुक 50, उसकी वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5% के आसपास ही रिटर्न होगा अगर वो स्टॉक 75% भी बढ़ा है। बट आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो उसमें 10% आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी वजह से आपका रिटर्न अप्रॉक्सिमेटली 5%। सो अंडरस्टैंड दिस, तो कितने रिस्क पे कितने लिया। अगर पोर्टफोलियो का 1% पे वो ट्रेड लिया था रिस्क पे, तो आपने 5x पैसा कमाया। दिस इज राइट वे टू मेजर रिटर्न्स, ओके। उसके बाद कल का ये एग्जाम्पल है, आई डोंट नो समबडी इज टेकिंग टिप्स। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि टिप पे इतना इतना पैसा कमाया सिल्वर के टिप पे, एंड ये वो तो ट्रेनिंग की वजह से आए थे वहां पे, ओके। तो जो रिसेंटली मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया है उनको तो पता है मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। आई ट्राई टू होल्ड टिल 3:10 सुबह 9 भी ट्रेड लिया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एंड तक होल्ड करूँ, ओके। एंड पोजिशनल में इनको पता है इन्वेस्टमेंट में लाइफ लॉन्ग होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, तो आई लाइक दैट, ओके दैट वे। तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं होगा मैं ट्रेड में रहूंगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, तो ये उनका कल 200 पॉइंट का गेन था, ओके, और ये उनका कुछ इतना था। बट कल दोपहर तक सिल्वर 1000 पॉइंट गिरा, इतना कल दोपहर तक था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे कुछ एग्जिट, तो ये एंट्री ये एग्जिट कुछ 5-6-10 मिनट की है दो कैंडल्स के बीच। तो अगर आप सोचो कि यहाँ पे एंट्री करी है और यहाँ पे एग्जिट करी है, तो इतना मूवमेंट दिया है सिल्वर ने, इतना बड़ा। एंड ये ATR की यहाँ पे बहुत फ्रंट लाइन दिख रही है, तो ATR इज समवेयर अराउंड 170। अगर ATR का भी ले लो तो आपने 1:1 कमाया होगा, या अगर इस स्विंग के ऊपर होगा स्टॉप लॉस तो इधर ऊपर, तो लेस देन 1:1 कमाया होगा, ओके। सो दिस इज अनप्रोडक्टिव वे, बिकॉज लॉन्ग रन में आप इतना प्रॉफिट ले रहे हो इधर से इधर, इतना सा प्रॉफिट, ओके। ये उधर एंट्री था उनका 665, कौन पता नहीं मेरे कौन सा 660 के आसपास एंट्री, 640 के आसपास 200 पॉइंट की एग्जिट। तो क्लियरली 200 पॉइंट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग, एंड 200 लेके बाहर निकल। बट अगर रिस्क इसके ऊपर है 200-300 पॉइंट्स का, then that is not going to work, okay? तो you have to think on this, आप 1 रुपए पे 10 रुपए कैसे कमाओगे, 1 रुपए पे 100 रुपए कैसे कमाओगे, 1 रुपए पे 5 रुपए कैसे कमाओगे इंट्राडे में। You have to think positional में आप 1 रुपए पे 100 कैसे कमाओगे, it's possible positional trading में, investment में। You have to think about that, okay? So these things कुछ मैं recent examples लिए जो भी लोगों से discussion किया। तो ये आप हमेशा याद रखो, कोई बोलेगा कि ये स्टॉक में 80%, 90%, 100%, 200%, 30% कुछ भी रिटर्न दिया, तो पोर्टफोलियो के हिट के हिसाब से कितना रिटर्न, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क था उसके हिसाब से कितना रिटर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज पूरा पोर्टफोलियो का भी 10-20% रिस्क होगा, उसकी परसेंट कितना रिटर्न होगा, ओके, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट इज आप कितना रिस्क ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिस्क आप कितना प्रॉफिट, ओके। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।